नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं ग्राम छतरीपुर पोस्ट शिवपुर जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश के गांव में आया हुआ हूं, शशिकांत पटेल जी के निवास पर। अभी मैंने इनका मशरूम लैब देखा हूं और जो वेश जी कंपोजर से पूरा ये कार्यक्रम चला रहे हैं। अब मैं इनके पास इनके उत्पादन कि कहां पर ये उत्पादन करते हैं उस जगह पर मैं आया हुआ हूं और इनसे कुछ आपके लिए जानकारी चाहता हूं। शशिकांत पटेल जी, अपना पूरा परिचय देते हुए हमें बताइए कि ये जो आपका उत्पादन लैब है और इसमें हमको मशरूम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कुछ आप इसके बारे में बताइए अपना परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम शशिकांत पटेल है, मैं ग्राम छतरीपुर का निवासी हूँ, पोस्ट शिवपुर वाराणसी का रहने वाला हूँ। जी एक्चुअली जो है ये 3 महीने पहले जो है करीब अक्टूबर नवंबर में जो है ये मशरूम लगाया गया था, ये ऑयस्टर फ्लोरिडा लगाया गया था। और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी ताकत ख़त्म हो चुकी है अभी, तो अभी इसमें अब हम नया बैच डालने वाले हैं, तो नया बैच डालने वाले हैं और इसका लगभग प्रोडक्शन जो है 100% से थोड़ा सा कम का प्रोडक्शन रहा है कि 100 क्विंटल भूसे में करीब 90-95 केजी का जो है इसमें प्रोडक्शन आया हुआ है। और इसमें तरह तरह के हमने प्रयोग भी कर रखे हैं, जैसे कि हमने छोटे पैकेट में प्रयोग किया कि क्या प्रोडक्शन आता है। ये छोटे पैकेट में क्या है? जी, छोटे पैकेट में जो प्रोडक्शन है वो 16x24 का जो पॉली पीपी बैग है उस प्रोडक्शन के बराबर का ही प्रोडक्शन आता है। लेकिन है क्या कि अगर छोटा पॉलीथीन बैग लगाएंगे क्या तो महंगा पड़ेगा। ये भी ये इसमें क्या क्या कि किस चीज़ पर बना रहे हैं? जी, ये सारा का सारा वेस्ट डिकम्पोजर पे ही मैंने सारा काम नहीं किया। ये हम नहीं पूछ रहे हैं, हम कहते हैं भूसे का यूज किया, भूसे का या गेहूं के भूसे का इस्तेमाल किया है। गेहूं के भूसे का इस्तेमाल तो क्या बुरादे का भी कहीं यूज किया? जी, ये लकड़ी का बुरादा है, ये आम के लकड़ी का बुरादा है, इस पे भी मैंने प्रयोग किया है। इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा आया है। अच्छा? हाँ, इसका प्रोडक्शन जो है ये गेहूं के भूसे से ज्यादा प्रोडक्शन आया है। और इससे भी अच्छा प्रोडक्शन जो है हमें मिला है गन्ने की जो खुइया होती है। अच्छा, गन्ने खुइया वाली कहाँ है? जी, गन्ने के खुइया वाला का तो इस समय नहीं है, लेकिन वो मैं प्रैक्टिकल ऑलरेडी पहले कर। अच्छा, आप ये अब तो इसको डिस्पोज करेंगे, 3 महीना हो गया इसका। जी, इसको जो है मैं कोई इसमें निकला कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी, इस समय तो थोड़े बहुत निकले हुए होंगे। कहाँ दिखाइए? यहाँ पे थोड़ा सा है, एक यहाँ पे निकला हुआ है। अच्छा, हाँ ये ये यहाँ ये थोड़ा सा निकला हुआ, सूख रहा है। हाँ। जी, अब इसका सब तो सिस्टम टाइम तो पूरा खत्म हो गया है। टाइम पूरा खत्म हो गया है, इसकी ताकत पूरी तरीके से अब खत्म हो चुकी है, तो अब इसमें से मशरूम नहीं निकल पाएगा। हाँ। तो अब इसको मैं वेस्ट डिकम्पोजर के जरिए इसको मैं डिकम्पोज करके इसका मतलब कंपोस्ट तैयार करने वाला। अरे वाह, बहुत अच्छा। इसको फिर इसको मैं अपने खेतों में जो है खेती के लिए जो है तो आप जो इसका प्रयोग जहाँ जिस खेत में करेंगे उसका भी बात करिएगा, उसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे। जी सर। हाँ। देशवासियों, किसान भाइयों, आप देखिए वेस्ट डिकम्पोजर का कमाल। ये सदी का वरदान बन करके आया है वेस्ट डिकम्पोजर। आप सभी लोग, इस देश के लोग, डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर किशन चंद्रा जी को बधाई दीजिए कि उन्होंने ऐसा चीज लाकर रख दिया जो खेती के लिए भी जरूरत का सामान बन गया। देखिए, इससे मशरूम का उत्पादन भी शुरू हो गया और इससे 1 क्लास का खाद भी बनना शुरू हो गया। और इसके बाद अब ये शशिकांत पटेल जी का अभी पशुओं पर प्रयोग नहीं था, अब ये इसका प्रयोग पशुओं पर भी करेंगे। एक गोष्ठी करेंगे और उसमें हमको बुलाएंगे और उसको हम बताएंगे कि कैसे पशुओं पर इसका प्रयोग करना है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शशिकांत जी, आप बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा। आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहते हैं? किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि वो वेस्ट डिकम्पोजर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ठीक है। इससे जो है बीमारियों से भी निपटने में सहायता मिलती है और मशरूम भी पैदा कर सकते हैं, खेती में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, खाद भी बना सकते हैं। तो ये वाकई जो है सदी के लिए वेस्ट डिकम्पोजर एक वरदान है। इसका इस्तेमाल करें और अपनी आमदनी को भी बढ़ाएं और अपनी धरती माता को भी स्वस्थ रखें, अपने आप को भी स्वस्थ रखें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद।